हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन एंड टुडे आई एम प्लेइंग सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंकेड में। तो फ्रेंड्स यार मैं अगेन यार सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, वो भी रैंक मैच के अंदर। तो अभी यार फ्रेंड्स यार मैं कर रहा हूँ पीक पे लैंड, और पीक पे यार मेरे साथ दो स्क्वाड भी लैंड कर रही है, मतलब यार मैं बीच में और दोनों स्क्वाड यार एक राइट में और एक लेफ्ट में है ना। तो अभी देखते हैं यार हमारे एडम चाचू हमारे हमारे एडम चाचू तो हम एडम लेके खेल रहे हैं, तो क्या वो हमारे एडम चाचू ये दोनों को इस स्क्वाड को हैंडल कर पाते हैं या नहीं, तो देखते हैं ना। और नीचे की साइड में एक बंदा है और मुझे यार सामने MP40 दिख रहा है, तो मेरी लालूच बढ़ती जा रही है। तो अभी हमको यार नीचे जाना चाहिए और MP40 उठा के वापस ऊपर आना चाहिए ना। और नीचे वो बंदा यार सामने आ गया और बंदे को हमने आसानी से कर दिया डाउन, और बंदे के पास कोई वेपन नहीं था यार उसने, इसलिए शूट नहीं कर पाया। तो हम हमारा MP40 लेते हैं और चलते हैं यार पीछे की साइड में भी एक स्क्वाड है ना, तो देखते हैं क्या हमारे एडम चाचू उनको हैंडल कर पाते हैं कि नहीं। तो अभी यार मैं यार एडम से खेल रहा हूँ जो कि यार एक लेजेंड बंदा है, तो लेजेंड बन तो हमने यार यहाँ पे कर दिया शॉटगन की एमो ड्रॉप कर दी। और यहाँ पे यार ब्रोक हाउस में भी एक स्क्वाड लैंड करी थी, और यार पीछे की साइड में भी एक स्क्वाड होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या हम इन दोनों साइड के बंदा यार सामने मेरे को दिख चुका है यार, जो कि एलिफेंट की ड्रेस पहना हुआ है, जो कि यार छोटा हाथी है ना। तो देखते हैं यार इस हाथी को हम मार पाते हैं या नहीं। तो अभी तो हमको यार दोनों स्क्वाड को मारना पड़ेगा, तो दोनों स्क्वाड को मारने के लिए हमको क्या करना है, एमओ चाहिए होगी यार। तो यार बंदे ने यार कवर छोड़ दिया, बंदे के पास है यार ओनली MP40, जो मैंने जब मैंने इसको खोला ना तभी मेरे को दिख गया, तो इसलिए मैंने इसको यार ज़्यादा पास नहीं आने दिया और मार दिया आसानी से ना। तो बंदे का यार किल करते नहीं तो यार ये पूरी स्क्वाड बुला लेगा, तो इसको कर दिया आसानी से हमने किल और ये एलिफेंट को मार दिया। और अभी यार पीछे की साइड में यार ब्रोक हाउस में भी यार पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी हुई है, जो कि यार मेरी राह देख रही है, जो कि बाहर नहीं निकल रही है। तो अभी फ्रेंड्स यार ऊपर की साइड में एक बंदा दिखा, तो इसको डायरेक्ट शॉट मारने, अरे यार इसको डायरेक्ट शॉट नहीं लगा। तो अभी ये नीचे बंदा आ चुका है, नीचे की साइड में आ जाए, अभी हम डायरेक्ट रस नहीं करेंगे, अभी हम रहेंगे कवर में। तो बंदा यार बंदे ने यार रस कर दिया, तो बंदे ने कवर जो कि यार किसी और को मार रहा है, उस जो हाथी वाले बंदे को अपन ने मारा था ना उसकी स्क्वाड को मार रहा है। तो इसको फटाक से किल कर लेते, नहीं तो यार सामने वाले बंदे यार किल चुरा लेंगे। तो इसको कर दिया ख़त्म। आप देखते हैं यार इधर किस, हाँ ये यहाँ पे यार ये बंदे को मार रहा था ना, और एक और बंदा यार मेरे ऊपर आ रहा है, तो इसको यार डायरेक्ट शॉट मारने के MP40 से ट्राई करते हैं। तो बेचारे ने हेलमेट नहीं पहना था, तो इसको यार आसानी से डायरेक्ट शॉट लग गया है ना। तो फ्रेंड्स अभी यार इसको यार एक और बंदा यार हमारे ऊपर आ रहा है, और इसको भी डायरेक्ट शॉट मारने का, तो MP40 में यार वेस्ट वाले को डायरेक्ट शॉट यार मुश्किल लग रहा है मेरे को तो ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई कि इस वीडियो में यार डायरेक्ट शॉट हम मारने का ट्राई करते हैं MP40 से, भी क्या लगता है या नहीं है ना। तो MP40 से डायरेक्ट शॉट खड़े होके देखते हैं यार लगता है कि नहीं, मुश्किल है बाकी, लगेगा तो सही, बाकी बिना हेलमेट वाला तो जल्दी डाउन हो जाएगा, बाकी जिसके पास हेलमेट और वेस्ट होगा वो शायद डाउन भी कर सकता है। तो देखते हैं क्या इस मैच को हम भूया कर पाते हैं। तो आसपास की सिचुएशन देखते हैं और इनको लूटते और आगे चलते हैं ना। तो इनको यार इनके पास तो ARM और इसके पास तो कुछ नहीं है, तो इसके पास यार ग्लूवल भी है, तो हमारे इसी के साथ दो ग्लूवल हो गए, काफ़ी अच्छी लूट हो चुकी है आई थिंक। अभी हमको चाहिए ओनली एक मिल जाता है तो यार हमारा यार काम हो जाएगा। तो अभी इसके पास क्या, इसके पास तो ओनली स्पास है और एक्स केस ना कुछ ना है, ट्रीटमेंट गन। तो आगे चलते हैं और देखते हैं यार सामने एक और स्क्वाड होना चाहिए यार, या फिर दो बंदे होना चाहिए, ओनली एक बंदा होना चाहिए यार, क्योंकि हाथी वाला और एक घर में घुसा था वो बंदा, और एक स्क्वाड यार अपन ने बाहर के साइड में डाउन कर दी और एक बंदा उन्होंने मार दिया, तो एक बंदा और होना चाहिए। तो यहाँ पे भी छुप के बैठा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यार फ्रेंड्स, कहीं पे भी आ सकता है वो बंदा। तो अभी यार हमको चाहिए ओनली एक है। तो फ्रेंड्स यार बंदे की पैरों की आवाज़ आ रही है, और बंदा यार मुंह पे आ गया और बंदे को 3-4 हेडशॉट पड़ गया आसानी से, और बंदा डाउन, और चलो बंदा ख़त्म। और बंदे के पास यार ग्लू वॉल वगैरह सारा कुछ था। तो फ्रेंड्स यार यहाँ से हम यार वीडियो को करेंगे ट्रिम, और क्लॉक टावर चलते हैं ना, इसको तो हमने कर लिया आसानी से लूट लिया। और फ्रेंड्स हम करते हैं वीडियो को ट्रिम और चलते हैं ना क्लॉक टावर। तो फ्रेंड्स यार हम आगे ना आ चुके हैं क्लॉक टावर पर, और यार क्लॉक टावर पर स्कैनर है, तो क्लॉक टावर पर यार स्कैनर और बंदा यार मेरे ऊपर रस कर रहे, और पीछे की साइड में भी बंदे यार फैक्ट्री के साइड में भी, जो कि यार इसी साइड आ रहे, क्लॉक टावर की साइड आ रहे। तो यार मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, और देखता हूँ यार मैं क्या इस स्क्वाड को हैंडल कर पाता हूँ कि नहीं। अभी तो मेरे यार ओनली 6 किल है,
6 किल है। तो फ्रेंड्स यार अभी हम चलते हैं यार, मेडिकेट और एके भी मिल चुका है नाइस। और अभी हम यार यहाँ पे लगाते हैं मेडिकेट। यार ये स्कैनर ने यार काम खराब कर रखा है यार, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ ना यार बंदों को घूम फिर के मारने का ट्राई करता हूँ, और यार स्कैनर आ रहा है ना, पिछले गेम प्ले में भी ऐसा ही हुआ था यार और आसानी से मर गया था। तो इसमें देखते हैं यार कितने किल कर पाते हैं और क्या बुयल ले पाते हैं या नहीं, है ना। तो अभी घूम के चलते हैं। तो अभी हमको यार सामने यार एक मेडिकेट दिख रहा है ना, मेडिकेट दिख रहा है। तो मेडिकेट यार हमारे पास ओनली 3 है, तो यार 2-3 मेडिकेट लूट लेते हैं, 5 से 7 मेडिकेट। एक और दिख गया तो इसको भी लूटते हैं और चलते हैं आगे की साइड। तो इसी के साथ यार हमारे पास 5 ही 5 मेडिकेट हो चुकी है ना। और देखते हैं यार यहाँ पे यार वो बंदों ने यार स्कॉट क्लियर करी है नहीं, अभी भी फाइट हो रही है। तो अभी हम यार लास्ट में जाएंगे, पूरा कवर में खेलेंगे, कोई मतलब जल्दी नहीं करेंगे और आराम से दूर से ट्राई करेंगे कि स्कॉट को क्लियर कर सके, ज़्यादा पास में नहीं रहेंगे। एक दो बंदे डाउन करने के बाद पास में जा सकते हैं यार, बाकी डायरेक्ट रश करके यार पास में नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स यार 2 बंदे आ रहे हैं, बाकी ये तो अंदर की साइड भाग रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट शॉट पढ़ना मुश्किल है। अगर मेरी साइड भागेंगे ना तो वो बंदे को यार डायरेक्ट शॉट पढ़ना आसान है। तो फ्रेंड्स ये देख लो, इसका एक बंदा यार मेरी साइड भागते हुए आ रहा, तो इसको पड़ चुका है 220 का हेड शॉट, और इसको दूसरे बंदे को भी पड़ चुका है हेड शॉट। तो डायरेक्ट शॉट में यही होता है यार, हेड शॉट ज़्यादा पड़ते हैं और गेम ओवर हो जाता है बंदे का, बंदा आसानी से डाउन हो जाता है। तो अभी यार हमारे हो चुके हैं 8 किल और अभी हम कवर नहीं छोड़ रहे। तो एक बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है, शायद स्कॉट का ये लास्ट बंदा है, तो इसको भी 90 का हेड शॉट पड़ चुका है और बंदा यार डाउन। ओ भाई साहब, इसका एक और बंदा आ गया। कितने बंदे यार यहाँ पे, पूरी चारों को चारों मारना पड़ेगा मेरे को। वो बंदे ने काफ़ी, ओनली 4 HP से बचाऊँ यार, और यहाँ पे यार पूरी स्क्वाड का यार हमने कर दिया ख़त्म। अगर आपको रश करना है यार क्लोज रेंज में, यार कभी भी फाइट मत लो यार। 2 बंदे मतलब 2 बंदे अगर क्लियर हो जाते हैं, 2 बंदों को आप कर सकते हो क्लोज रेंज में डाउन, बाकी चारों बंदों को नहीं कर सकते। अगर यार यहाँ पे इसका तीसरा बंदा जिंदा होता तो एक गोली मेरे को आसानी से मार देता और मैं हो जाता यहाँ पे ख़त्म। तो हमारे यार यहाँ पे हो चुके 10 किल और अभी भी यहाँ पे यार 1-2 बंदे हो सकते हैं मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मेरे को यार बहुत ध्यान में रह के यार लूटना पड़ेगा, मतलब पूरा हिल हिल के लूटना पड़ेगा, कहीं से भी हेड शॉट पड़ सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास ना तो हेलमेट है और ना ही तगड़ा वाला वेस्ट है। तो हेलमेट तो मेरे को मिल चुका है, तो अभी यार मेरे को बेट उठ के ही लूटना पड़ेगा यार, हेड शॉट से बचना पड़ेगा, क्योंकि बंदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ना काफ़ी। तो यार लेवल 4 का वेस्ट मिल गया और काफ़ी अच्छी लूट तो मिल चुकी है मेरे को यहाँ पे, और मेडिकेट भी मिल चुका है। तो 4X भी है मेरे पास। हो भाई साहब ग्लू होल ग्रेनेड नाइस, और पीछे की साइड यार जोन आ रहा है। तो अभी हमको यार यहाँ से निकलना चाहिए, इन बंदे को भी लूटते हैं यार। यहाँ पे भी हमने यार 2 बंदे मारे थे, तो इनको भी लूटते हैं और देखते हैं आसपास कोई बंदा है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे यार इसके पास तो कुछ नहीं है, और इसके पास क्या, इसके पास लेवल 3 की मैगजीन थी। तो अभी यार पीछे की साइड में बंदे होने तो चाहिए यार, बंदों ने यार मेरे ऊपर ही डायरेक्ट रश किया था क्लॉक टावर के बंद। अब भाई साहब बंदा एक और सामने की साइड में, बंदा एक और है। तो यार ये मुंह पे नहीं आया, इसलिए हमने लगा लिया ग्लू वॉल। ग्लू वॉल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ग्लू वॉल है, तो इसलिए कोई कंजूसी नहीं करेंगे। और बंदे को पड़ चुका है 2-3 मेडिकेट का यार डैमेज हमने दे चुका है। वो बंदा मुंह पे आ गया और बंदा खत्म, और बंदा ख़त्म हो चुका है। और बंदे को हम एमोट दिखाते, क्या लाइक देगा। बंदे ने हमको लाइक दे दी और चलते हैं फ्रेंड्स यार। तो फ्रेंड्स यार अगेन हम यार वीडियो को यार यहाँ पे यार मेडिकेट लगाते हैं और फिर यार वीडियो को हम अगेन ट्रिम करेंगे ना। तो अभी यार यहाँ पे हमारे पास ओनली 5 मेडिकेट है और 2 हमने तो लगा लिए, तो फिर 2-2-2-3 मेडिकेट यार यहाँ पे हमको एक और बार लूटना पड़ेगा और फिर आगे चलेंगे। तो यार यहाँ पे हम यार 2 मेडिकेट, इसमें 2 मेडिकेट मिल गई है, और यहाँ पे देखते हैं और 2-4 मेडिकेट मिलती है तो यार रखना पड़ेगा, क्योंकि अब लास्ट जोन आ चुका है और जोन के बाहर है। तो यार यहाँ पे एक और मेडिकेट है, तो एक और मेडिकेट लूटते हैं और फिर चलो फ्रेंड्स। हम यार यहाँ पे फालतू सामान फेंक दिया, तो हम यार वीडियो को करते हैं ट्रिम, है ना, जीप लाइन से चलते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स यार हमने वीडियो को जैसे ही ट्रिम करा ना, तो हम आ चुके हैं यार यहाँ पे पीक साइड में, और पीक साइड में यार मेरे को एक अगली स्कॉट सामने यार नीचे एक बंदा दिख रहा था। तो यार नीचे नेक्स्ट स्कॉट का एक बंदा यार दौड़ रहा था कवर के बाहर, तो हमने उसको यार बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, बंदा काफ़ी देर तक डाउन नहीं हो रहा था। और उसका दूसरा बंदा आ चुका है और हमने लगा लिया ग्लू वॉल। यार ग्लू वॉल की मेरी स्पीड काफ़ी स्लो चल रही है, क्योंकि यार मैंने यार ग्लू वॉल को यार यहाँ पे नीचे की साइड सेट कर लिया। अगर आपने यार मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि यार मैं जहाँ पे मेडिकेट रखा है ना, वहाँ पे ग्लू वॉल रखा करता था।
तो मेरी काफ़ी ज़्यादा यार वहाँ पे आदत हो चुकी थी है ना, मेरी मतलब हैबिट वहाँ पे हो चुकी है, तो मेरे अभी स्लो लग रहा है ना काफ़ी, तो अभी 2 4 दिन में यार काफ़ी सही हो जाएगा। तो अभी यार यहाँ पे एक ग्रेनेड व्रेनेड डाल रहे हैं बंदे, तो एक बंदा आ चुका है मेरे ऊपर, तो यार हमको एक छोटा सा कवर लेना पड़ेगा, 2 3 बंदे इकट्ठे दिख रहे हैं मेरे को तो। ओ भाई साहब वापस से हमको कवर लेना पड़ेगा, एक बंदा यार हमारे ऊपर आ रहा है, तो यार कवर में रह के इसको करते हैं डाउन, और ये हो चुका है डाउन, और एक और बंदा है इसका बचा हुआ है जो कि काफ़ी सही शॉट खेल रहा है यार, कवर ले लेके आ रहा है मेरे पास, और बंदे को ओ भाई साहब इसने तो मेरे से भी फास्ट ग्लू होल लगाया यार, क्या खतरनाक तरीके से ग्लू होल लगाया, अभी मेरे से फास्ट लगाया यार, पहले मैं इससे फास्ट लगाता था भाई, कि अभी मैंने ने चेंज करा है, तो इसको यार नेट करते हैं, और बंदा यार भाग रहा है जीप लाइन से, तो बंदे को यार इसने गलती कर दी यार, यहाँ से तो मैं डिफॉल्ट में आराम से मार दूंगा और बंदा हो जाएगा ख़त्म, तो बंदा हो गया ख़त्म, और हमारे इसी के साथ 13 किल हो चुके हैं, और बंदे ने ली दी दी 2 लाइक और अगेन। तो फ्रेंड्स यार यहाँ पे इनको लूटते हैं और फिर चलते हैं नीचे की साइड, जोन आ रहा है यार लास्ट जोन है, और हमारे पास ओनली 3 मेडिकेट है, तो देखते हैं आगे कि स्क्वाड को करते हैं डाउन कर पाते हैं हमारे। ओ भाई साहब ड्रॉप के पास बंदा है यार, ड्रॉप के पास बंदा है, क्या हम ड्रॉप के पास वाले बंदे को डाउन कर पाते हैं या नहीं, देखते हैं ना। वह अभी यहाँ पे यार छोटा सा कवर लेते हैं और देखते हैं यार कितने बंदे हैं, तभी मारेंगे, अगर पूरे बंदे होंगे ना तो सॉलिड सा कवर लेके ही मारना पड़ेगा। तो एक बंदा यार दिख गया मेरे को, मेरे ऊपर रस कर रहा, तो इसको यार पड़ चुका है हेड शॉट 127 का और 27 का डैमेज, मेरे को लगता है यार जोन से ये पीड़ित था, मतलब यार जोन का डैमेज खा चुका था है ना, तो यार ये कवर मेरे को सही नहीं लग रहा, तो इसको क्लियर करके हमको यार थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा सॉलिड कवर लेना पड़ेगा, क्योंकि यार ये बंदा हुआ है डाउन, इसके 2 से 3 बंदे अभी भी हो सकते हैं जिंदा है ना, अलाइव हो सकते हैं, और वो भाई साहब इसका एक और बंदा यार इसको रिवाइव करने आ चुका है, तो यार इसको भी करना पड़ेगा ड्राउन, और पूरे खुले में यार फाइट ले ली यार मैंने, तो मैंने यहाँ पे एक गलती तो नहीं कर दी। एक और बंदा यार पीछे से मार रहा है, क्या है वो भी इसी स्क्वाड का बंदा है, तो देखना पड़ेगा यार। तो इसको हमारे यार इसी के साथ 14 किल हो चुके हैं, और अभी हम यार ऊपर जाके इन दोनों को क्लियर करते हैं। ओए किल कहाँ गया, ओए यहाँ पे यार बंदे ने, क्या यार नीचे वाले बंदे ने यार किल चुला लिया, किल छुरा लिया यार नीचे वाले बंदे ने, तो यार हमारे पास SMGMO नहीं है, SMGMO की कमी है, और अभी भी बंदे यार 3 से 4 बंदे अलाइव है, तो देखते हैं यार क्या सिचुएशन है। एक बंदा यार मेरे ऊपर रश कर रहा है, और हमारे पास SMG की काफ़ी कमी है, तो यार ड्रैगन से ही मानना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा बंदे ने यार डैमेज दे दिया। तो फ्रेंड्स यार अभी यार इसको क्लियर करते हैं, और अभी सिर्फ यार 15 बंदे, ओ सिर्फ 2 बंदे अलाइव है, तो फ्रेंड्स यार यहाँ पे हम आराम से यार मेडिकेट लगा के बुया लेते हैं ना, 17 किल के साथ बुया लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स यार इस बंदी ने यार हमें यार भूया नहीं करने दिया यार, ये हमारी HP काफ़ी कम थी, तो ये यार पीछे से आ गई और हमें मार दिया। तो फ्रेंड्स यार आपको वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स ओके बाय ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।